हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज स्टूडेंट मैं आपको वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 बाइंग थिंग्स का क्वेश्चन आंसर्स देने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, लिसन रीड एंड इनेक्ट द स्टोरी गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57। यस, पेज नंबर 50, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पे आपको ये बाइंग थिंग्स जो है इसका जो लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसकी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो देख सकते हैं। और इसमें जो है कि मैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देने जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में हार्ड वर्ड्स दिए हैं, पहले वो देख लेते हैं। ओ डब्ल्यू एन ओन, ओके, एम ओ एन ई वाई मनी, ए एन वाई टी एच आई एन जी एनी थिंग, बी यू आई बाय, एफ आई एन आई एस एच फिनिश, आई डी ई ए आइडिया, सी ओ यू एन टी ई आर काउंटर, पी ए पी ई आर पेपर, जी एल यू ई ग्लू, सी ओ एल ओ यू आर एस कलर्स, एम यू एस टी मस्ट, पी आई सी के ई डी पिक्ड, क्यू यू आई सी के एल वाई क्विकली, एस एच ओ पी शॉप, एल ए एस टी लास्ट। ओके, तो यहाँ पर ओन मीन्स हम खुद का, ओन मनी पैसा एनीथिंग कुछ भी, बाय खरीदना, फिनिश खत्म होना, आइडिया आइडिया जैसे कि हमें कोई आइडिया आता है। ओके, सो काउंटर, ओके, कोई तरकीब बोल सकते हैं, आइडिया मीन्स कोई तरकीब। काउंटर जहाँ पे कैश पैसे दिए जाते हैं, अगर आपने कुछ खरीदा, ओके, जैसे मॉल वगैरह में कुछ खरीदा और पैसे पे करने, तो हमें काउंटर पे अलग से काउंटर होता है पैसे पे करने का, तो वो काउंटर पे करना पड़ता है। पेपर आपको पता है, पेजेस जो होते हैं, ग्लू जो गम जिसे कहते हैं, कलर्स कलर होते हैं, मस्ट मींस करना ही है जरूर, ओके, मस्ट जरूरी, जो पिक पी आई सी के ई डी पिक मींस उठाना या लेना, क्विकली जल्दी से, ओके, क्विकली मींस जल्दी से या तुरंत, शॉप एस एच ओ पी शॉप, एल ए एस टी लास्ट, सो शॉप मींस दुकान, लास्ट मींस आखिरी। तो यहाँ पे वर्ड फाइल दिया है स्टूडेंट। अब वर्ड फाइल में हमें क्या करना है, इसमें से जो भी आपको न्यू वर्ड लगते हैं, जो आपने नए नए सीखे वो आप लिख सकते हैं, या कोई भी राइट वर्ड्स विथ फोर एंड फाइव लेटर्स हियर, मींस उसमें फोर से लेके फाइव तक लेटर जरूरी है, उससे कम नहीं लिखना है, फोर से फाइव तक के लेटर्स लिखना है। तो फोर और फाइव लेटर, देखिए यहाँ पे फोर है, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव है, यहाँ पे फाइव से ज्यादा है, ओके, यहाँ पे फोर है, फिर फाइव है, फाइव से ज्यादा है, तो फोर फाइव या उससे ज्यादा ऐसे लेने, फाइव से कम, जैसे ओन में कैसे थ्री वर्ड है तो ये नहीं लेने, बाय में कैसे थ्री वर्ड है तो ये नहीं लेने हैं, यहाँ पे फोर और फाइव लेटर्स के लेने। तो देखिए क्या क्या है, ग्लू मनी एनीथिंग मस्ट फिनिश काउंटर, आप चाहे तो इसमें काउंट कर सकते हैं, वन फर्स्ट में थ्री है तो छोड़ देना है, वन टू थ्री फोर फाइव है तो मनी लिख सकते हैं, यहाँ पे एनीथिंग में भी बहुत ज्यादा है तो लिख सकते हैं, बाय में थ्री है छोड़ दो, फिनिश में है तो देखिए मैंने फिनिश लिखा है, आइडिया आइडिया में भी फोर है तो आप लिख सकते हैं, ओके, बट मेरे पास जितना स्पेस था मैंने उतना लिखा है, आप चाहे जो लिख सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि फोर या फोर फाइव और मोर देन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडिया, ओके, आपकी ओन आइडिया यूज करके आपको इसको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो वी आर गोइंग टू, अब आप कहाँ जा रहे हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां आप जा रहे हो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक वी आर गोइंग टू अ बीच, वी आर गोइंग टू अ बिग शॉप, वी आर गोइंग टू अ मॉल, ओके, कोई भी जगह आप लिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अ बिग शॉप, मैंने ये लिखा है, एनी प्लेस, देखिए यहाँ पे बोला भी कोई प्लेस, तो शॉप एक प्लेस है। फिर आई वॉन्ट टू रीड, ओके, आई वॉन्ट टू रीड, और यहाँ पे देखिए बॉक्स में क्या लिखा है, नेम ऑफ स्टोरी बुक, कोई भी एक स्टोरी बुक का नाम लिखना है, तो आई वॉन्ट टू रीड स्नो व्हाइट स्टोरी बुक, ओके, जैसे कि स्नो व्हाइट एक स्टोरी है तो उसकी बुक मुझे रीड करनी है। आई वॉन्ट टू बाय, मुझे खरीदना है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ ड्रॉइंग मटेरियल, कोई भी ड्रॉइंग मटेरियल का नाम लिखना, तो मैंने पेंसिल बॉक्स लिखा है, लाइक पेंसिल तो लगता ही है ड्रॉ करने में, सो अ पेंसिल बॉक्स। शैल वी, यहाँ पे क्या लिखा, बाय और ईट, ऐसी चीजें जो खाई जाती हैं, सो आइसक्रीम, शैल वी ईट एन आइसक्रीम, तो शैल वी क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं। आई मस्ट गिव यू गिफ्ट फॉर अ क्रिसमस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एनीथिंग इन रिटर्न,
मीन्स किसी कोई चीज आपने दिया तो उसके रिटर्न में कोई चीज आपको मिलेगी, तो उसे ही आपको यहाँ पे लिखना, तो आई मस्ट गिव यू गिफ्ट फॉर अ क्रिसमस, तो मैं आपको जरूर क्रिसमस पे कोई गिफ्ट दूंगी। तो ये हो गया, वी आर गोइंग टू बिग शॉप, हम बड़े शॉप में जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू रीड स्नो वाइट स्टोरी बुक, मुझे एक स्नो वाइट की स्टोरी बुक पढ़नी है, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल बॉक्स, मुझे पेंसिल बॉक्स खरीदना है, शैल वी ईट एन आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं, आई मस्ट गिव यू गिफ्ट फॉर अ क्रिसमस, मुझे आपको मुझे गिफ्ट जरूर देना चाहिए क्रिसमस पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आपको ओन आइडिया से ही लिखना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल, तो चलिए देखते हैं टेबल में क्या है। वन मिनी, ओके, तो शॉप है सेम प्लूरल, आपने पीछे भी मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक में भी बताया है कि वन का मिनी करना है, तो आपको एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। तो देखिए, शॉप का शॉप्स, थिंग थिंग्स, टॉय टॉयज, चॉकलेट चॉकलेट्स, रुपी रुपीज, क्रेयॉन क्रेयॉन्स, कलर कलर्स, आइडिया आइडियाज, पेपर पेपर्स, पेरेंट पेरेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट व्हाट यू कैन मेक यूजिंग पेपर ग्लू एंड कलर्स। तो पेपर यूज करके, ग्लू यूज करके और कलर्स यूज करके आप क्या क्या थिंग्स बना सकते हैं, उसके नाम लिखने। लाइक मैं तो ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकती हूँ, पेपर बोर्ड, पेपर फैन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स क्या होता है, ईटीसी, ये एक्सेट्रा का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है और भी बहुत सारे आगे एग्जाम्पल है, बट मैंने इतने ही किए हैं। ओके, सो ग्रीटिंग कार्ड, पेपर बोर्ड, पेपर फैंस, एक्सेट्रा, आप कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं, जिसमें जो बनाने में पेपर ग्लू और कलर्स का यूज हो। अगर आप अपने ओन माइंड से लिखेंगे तो और भी बहुत अच्छी बात होगी, जितना हम अपना माइंड यूज करेंगे हम उतना ही वो बढ़ता जाएगा, सो इसलिए आप अपने माइंड से सोच करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसके नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइव थिंग्स दैट फिनिश अप क्विकली, ऐसी कोई 5 चीजें आपको लिखनी है जो कि जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो क्या क्या खत्म होता है, यस, आइसक्रीम, जूस, केक, चॉकलेट्स, कैंडी फ्लॉस, ये सब खाने में बिल्कुल बच्चों को टाइम नहीं लगता, बट खाना दे दो तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से निकाल देते हैं। तो यह कौन सी ऐसी चीज यहाँ पे पूछा जो फटाक से खत्म हो जाती है, तो यस, आइसक्रीम, जूस, केक, चॉकलेट्स, कैंडी फ्लॉस। ओके, तो ये सब चीजें फटाफट खा जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन 2 है, फाइव रेडीमेड थिंग्स। ओके, ऐसी चीजें जिसे हमें बनानी नहीं पड़ती है, बट रेडीमेड ही हम शॉप से लेते हैं और उसको डायरेक्टली यूज करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। लाइक पेंसिल, पेंसिल्स में हमें कुछ नहीं करना होता, पेंसिल खरीदा और लिखा। ओके, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, इसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, ये रेडीमेड होती है। ओके, हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइव थिंग्स दैट लास्ट लॉन्ग, ऐसी चीजें जो बहुत दिनों तक चलती हैं। यस, क्रेयॉन्स, कलर्स, पेन, ग्लू, बुक एंड पेंसिल। ओके, दो दो तीन दिन में ये नहीं खत्म होती, कुछ दिनों में खत्म होती है, तो वही फाइव थिंग्स दैट लास्ट लॉन्ग। ओके, काफी दिन तक चलती है, आप अपने ओन आइडिया से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइव थिंग्स दैट यू कैन मेक एट होम, ऐसी 5 चीजें लिखना है जो कि आप घर पे ही बना सकते हैं। सो फाइव थिंग्स ऐसी कौन सी जो आप घर पे बना सकते हैं, आप जो भी बना सकते हैं वो लिख सकते हैं। लाइक मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकती हूँ, पेपर फ्लावर्स, देन पेपर बोर्ड, पेपर फैन, पेपर एरोप्लेन। ओके, तो ये मैं खुद से बना सकती हूँ घर पे, सो यहाँ पे वो लिखा है, आप जो भी बनाना चाहते हैं या फिर जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये चैप्टर बाइंग थिंग्स हमारा कंप्लीट होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो लाइक अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, बाय बाय।